पार्टी के द्वारा आयोजित बैठक में 11 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। महंगाई को लेकर सभी नेता भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेकर उनके निष्क्रियता पर सवाल उठाए। 11 सूत्रीय मांगों में जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, मनमानी बिजली कटौती व बढ़े हुए बिजली बंद करने, जिले में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों की फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने, एरा प्रथा बंद करने एवं गोबर खरीदी सहित 11 मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी 17 अगस्त 2022 से रैली व आंदोलन जिले भर में करेगी और जिले के सभी तहसीलों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसका समापन 11 मार्च को किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ विरोध में 28 अगस्त को रामलीला मैदान में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही विद्या प्रदेश की भी मांग की गई। पूर्व लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि जिले की समस्याओं और महंगाई के विरोध में जन अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के समापन के बाद अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे ज्वलंत समस्या जो आज जिले के सामने है, भिंड के सामने, वो सूखा। भिंड प्रदेश आज सूखे के मुहाने पे खड़ा हुआ है। सरकार ने कोई भी सर्वे चालू नहीं किया। सूखा घोषित करने में शिवराज सिंह जी कुताही बरत रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि रीवा को तुरंत सूखा बिजली का इतना भारी संकट दशकों में नहीं देखा गया है, जिससे रीवा इस समय गुजर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 21वीं सदी में हैं। वापस लालटेन युग, आजादी के पहले का लाठीगर प्रयास शिवराज सिंह चौहान की सरकार। आज रीवा और विंध्य का युवा बेरोजगार घूम रहा है, मनरेगा में काम नहीं हो रहा, महंगाई चरम सीमा पर, और आज से हमारी कांग्रेस का महंगाई पे चर्चा अभियान चल रहा है। यह एक चर्चा महंगाई पे करने के लिए भी यह सभा बुलाई गई। इस सभा में 11 सूत्री मांगों का प्रस्ताव पारित और इन मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक यात्रा का निर्धारण प्रस्ताव पारित हुआ। उस यात्रा का नाम जन अधिकार यात्रा है। जन अधिकार यात्रा हम 17 सितंबर से 11 मार्च तक चलाएंगे। मैं स्वयं हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ जिले की 1052 इकाइयों में जाऊंगा, 827 पंचायतों में, 180 नगर पंचायत वार्डो में और 45 रीवा नगर निगम के वार्डो में हमारी यात्रा जाएगी। रीवा जिले की हर तहसील का हम घेराव करेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 11 मार्च को जब हमारा समापन होगा तो उग्र से उग्र आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए। अभी हम इस यात्रा की शुरुआत मनगवा से करेंगे और हम आशा करते हैं कि हजारों लोग रीवा और बिंद से इस लड़ाई को लड़ने आएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस यात्रा के दौरान हर पटल पर, हर फोरम पर, हर पंचायत पर रखा जाएगा, वो ये है कि 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक और सांसदों ने विंध्य प्रदेश बनाने के लिए क्या। विंध्य प्रदेश 1952 में एक प्रदेश था, किन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश में विलीन हुआ, परंतु बड़े प्रदेश में मिलने का यह मतलब नहीं है कि हमारे संसाधनों के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, हमसे टैक्स तो सिंगरौली और बाकी जगहों से लिया जाए लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार न मिले। आज जब स्वास्थ्य की बात आती है तो रीवा और विंध्य स्वास्थ्य के जो पैरामीटर होते हैं उसमें देश में सबसे नीचे में से, सिर्फ
संसाधनों का और हमारे वोटों का दोहन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक जो मुद्दा मैं इस यात्रा में लेकर के चलूंगा वो विंध्य प्रदेश का मुद्दा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।